सखीरामसह अध्यक्ष मराठी पत्रकार संघ जीतून इन्होंने इस्लाही कलिमा हमारे सामने पेश किया। इसके बाद पठान शहजाद खान साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने तासुरात पेश करें। जनाब पठान शहजाद खान साहब देशोन्नति प्रतिनिधि जीतू। स्टेज पर तशरीफ फरमा सभी मेहमानों की खुशी, यहाँ पर वालिदैन और देश के आने वाले भविष्य। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मुझे पता है कि आपको आपके बच्चों के हुनर देखना है, फिर भी यहाँ पर हमको बुलाया गया, इसलिए चंद लम्हों में मैं अपने ख्याल का इजहार आपके सामने करना चाहता हूँ। दिलों में अपनी बेताबियां लेकर चल रहे हो, दिलों में अपनी बेताबियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, नजर में अपने ख्वाबों की बिजलियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। मतलब सर सैयद अहमद खान, ये जो उर्दू इदारा है, स्कूल है, ये अपना जिंदगी की हर बार हमारे सामने एक तस्वीर रखते हैं। मैं पिछले कई सालों से देखता रहा हूँ, जैसे कि मराठी मीडियम, इंग्लिश मीडियम के जो स्कूल होते हैं, वहाँ पर बच्चों में जो अलग अलग टैलेंट होता है, उसे बाहर निकालने के लिए उन्हें जो उनके खुद का जो रंगमंच स्टेज होता है, वो स्टेज देने का काम किया जाता है, वैसे ही उसी धरती पर सर सैयद अहमद उर्दू स्कूल काम कर रहा है। मतलब हर बच्चा जो इस दुनिया में आया है वो टैलेंटेड है, क्योंकि हम जानते हैं कि अल्लाह कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनाता। मतलब जो बच्चा है वो टैलेंटेड है, उसमें कुछ एक ऐसी खास बात है जो हमको वो जान कर लेना है। हमें पता है कि जुगनू होता है, जुगनू चमकने का काम करता है, उसके पीछे एक लाइट होता है, वो चमकता है। तो हमको यहाँ जितने वालिदैन भाई यहाँ पर बैठे हैं, तो हमको हमारा बच्चा एक जुगनू है और उसकी चमक को बरकरार रखने के लिए हमें ये देखना चाहिए कि मेरे बच्चे में वो कौन सा टैलेंट है जो सबसे अलग है, सबसे खास है। मतलब हर बच्चे में एक टैलेंट ऐसा है, वो टैलेंट दुनिया के किसी इंसान में नहीं है, क्योंकि आपका जो बच्चा है वो यूनिक है, मतलब उसके जैसा दूसरा कोई है नहीं। हर किसी का चेहरा अलग, हर किसी के फिंगर अलग, हर किसी के बाल अलग, हर किसी की नाक अलग, हर किसी का कलर अलग, हर किसी की हाइट अलग, हर मतलब हर बच्चा जो है, जो बच्चा है वो खास है। तो हमको ये देखना है कि आपने बच्चे में ऐसा कौन सा खास टैलेंट ऊपर वाले ने दिया है, उस टैलेंट को जैसे जुगनू चमकने का काम करता है, हम अगर अपने बच्चे में वो कौन सी चमक है वो बाहर निकल जाए, तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले सालों में वो पूरे हमारे परिवार का, हमारे खानदान की रोशनी बन सकता है। मतलब हमारे पूरे खानदान का जो हालात है वो बदलने की ताकत वो बच्चा रख सकता है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम मुस्लिम हैं, पढ़ने लिखने के बाद कहाँ नौकरियाँ मिलती है। नौकरियाँ नहीं मिल, पढ़ाई जो होती है ये नौकरी करने के लिए नहीं होती है। हमारी ये सोच हो चुकी है कि पढ़ाई करने से नौकरी मिलती है, और हमारे बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो उन्हें नौकरी नहीं मिलती, तो पढ़ाई ये नौकरी के लिए नहीं होती है। उसमें सलाहियतें आए, वो अपना जिंदगी अच्छी तरीके से जिए, जिंदगी में कुछ तो अलग करके बताए इस चीज़ के लिए, वो अच्छा इंसान बने, पढ़ाई इसलिए होगी। अगर वो अच्छा इंसान बनेगा तो आगे चलकर वो अपने परिवार का जो हालात है वो बदलने की कोशिश करेगा। वक्त बहुत हो चुका है, मुझे बहुत सारी बातें बोलनी थी, लेकिन बहुत सारे यहाँ पर मेहमान खुशी है और इतनी बड़ी हस्तियाँ हैं कि उनके सामने मैं मतलब कुछ तकरीर दूँ, कुछ स्पीच दूँ, तो ऐसा होगा कि मैं सूरज के सामने
एक क्या बोलते हैं चिराग दिखाने का काम कर रहा हूँ, तो मैं ज्यादा यहाँ पर आपका वक्त नहीं लूंगा इंशाल्लाह। यहाँ पर मुझे पता है कि सर सैयद अहमद खान में बहुत सारे प्रोग्राम होते ही हैं, ऐसा कभी जब मौका मिल जाए, जब जो स्टेज में लोग कम हो और मुझे बोलने का मौका मिले, तो इंशाल्लाह मैं अगली बार अपनी बात आपके सामने रखूंगा। तो मुझे यहाँ बुलाया, आप सभी ने मेरी जो बातें हैं वो सुन के लिए, और आपसे फिर से गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चों में एक वो जो विशेष टैलेंट है, खास बात है, वो ढूंढे। ढूंढता हूँ यहाँ पर, शहजाद खान साहब जो तरबियत में कलिमा पेश कर रहे थे। इसके बाद